गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। जरा भीड़ कम होगा ना, कम होंगे नहीं तो पूरा पीछे तक लाइन लगता है। इसी टाइम भीड़ होता है। आज ना सावन का पहला सोमवारी है और आज से सावन भी चढ़ गया, तो आप सभी को पता है कि सावन में हरा हरा पहनना चाहिए, इसलिए हम दोनों सास बहू हरा हरा पहन लिए थे। और मेरे को बहुत मन था कि मंदिर जाऊं, तो यहां पे देख सकते हैं मंदिर के लिए निकल गए थे हम लोग, बहुत भीड़ थी। एक लोटा वाला धतूड़ा नहीं है भगवान आपको सलामत रखे। लाइन आगे लग जाना। तो हम देते हैं लाइन में। मम्मी का शूट कर दो, उनका फोन गाड़ी में यहाँ पे ना हम लोग क्या कर रहे थे, जो लोटिया होता है ना उसमें पानी भर रहा था, तो मम्मी यहाँ पे पानी भर रही थी और इसमें बाकी आप लोगों ने देखा था घर से सब कुछ था। मम्मी बोली कि जाओ उनको दे के आओ, तब तक हम चले गए उनको देने के लिए। बाकी आगे आप लोग देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था। एक तो लेट से हम लोग गए थे क्योंकि कन्फर्म था ही नहीं कि जाना भी, और यहाँ पर हम दे के आए। सब लोग दिख रहा है छोटू यहाँ कभी सूट कर लिए, हम देने गए तो मुझे पता भी नहीं है। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चीज़ें देखो हरा भरा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पता नहीं यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, मिस्टर राज का देख रही थी, तो बाप रे जेंट्स की जो लाइन होती है ना बहुत पीछे तक लगी थी और मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था यार। ससुराल से जब भी जाओ ना ऐसे मंदिर या फिर कहीं घूमने के लिए, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। वैसे अम्बाला से हम बहुत जगह जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब ससुराल से जाते हैं ना, मतलब यहाँ से कहीं मार्केट चले गए या फिर ऐसे मूवी देखने चले गए, तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे लोग लाइन में लगे नहीं, तो हर बार तो बहुत दूर रहते थे पास में। अरे खुश रहो, यहाँ भगवान को प्रणाम करो। बाबू तुम्हारा बाल आ जा रहा है, हाथ में ऐसे पकड़ो, नीचे फोटो खींच लो, फोटो खींचो, छोड़ दिए।
ये माई चाहिए। अंदर मत जाना, बाहर ही इतना बहुत सारे सब्सक्राइबर। तो गाइज अभी हमारी स्टूडेंट भी है और सब्सक्राइबर भी है, आके पूछ रहे सर पहचान रहे हैं। हम बोले पहचाने तो नहीं है लेकिन चेहरा थोड़ा थोड़ा याद है तो पहचान। और ये बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई सोमवार की और भगवान भोले बाबा सबके ऊपर कृपा बरसाए। बहुत लोग खुश मिला जा भाभी के पास, भाभी आए यहाँ ना। जैसे ही हम लोग पूजा पाठ कर लिए मेन मंदिर में, उसके बाद से देखे पतिदेव साइड में खड़े थे तो यहाँ पे हम चले गए और देखे बाप रे इतने सारे लोग पतिदेव के साथ खिंचवा रहे थे फ़ोटो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ देख रहे हैं मम्मी भी है, मम्मी यहाँ पे लगवाई जैसे पतिदेव लगवाए हुए हैं और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना मम्मी आशीर्वाद ले रही थी क्योंकि यही गुरुजी हैं जो कि मम्मी पापा को आशीर्वाद दिए थे और मम्मी पापा गुरुमुख हुए थे। तो यहाँ देख रहे हैं मम्मी प्रणाम कर ली, उसके बाद से अब हमारी बारी थी। सो यहाँ पे अब मुझे भी लग रहा था और इससे तो और भी अच्छा लगता है मुझे। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना भोलेनाथ के, मुझे इतना अच्छा और आज के दिन तो इतना सुकून मिल रहा था कि क्या बताएं। मंदिर में एकदम भोले बाबा का गाना सब कुछ बज रहा था और सभी लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था यही है। और यहाँ पे पैर छू के प्रणाम कर रहे थे, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। गाइस यहाँ पे ना मिस्टर राज के स्टूडेंट्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग फोटो खींचवा रहे थे साथ में। और अब बारी थी घर जाने की, लेकिन यहाँ पे फिर से होने लग गया था फोटो शूट क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा था। मुझे तो घर पे भी आना था और खाना पीना का भी देखना था। और यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन साड़ी में हम लोग कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं सभी लोग, जितने भी लोग हैं। और यहाँ देखिए ये भी बोल रही थी भाभी एक फ़ोटो खींच लीजिए आपके साथ, तो बोले कि ठीक है। और यहाँ पतिदेव निकल गए, अब उनके छोटा सा बेबी भी था, बाकी बहुत सारे लोग पहचान रहे थे, मज़ा आ रहा था। अब हम लोग यहाँ से निकल गए घर के लिए, फिर यहाँ पर जाना था मंदिर। हर हर शंभु शंभु शिव शंभु। गाइस यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे मैंने तिलक जो सिंदूर होता है वो टिक दिया, फिर यहाँ पे बोली कि फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आप भी देख लीजिए, जल्दी से अच्छे से फ़ोटो शूट हो जाएगा इनका भी। और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे और फिर से यहाँ पे यार फोटो शूट होने लगा। फिर यहाँ पे जैसे
गाइज यहाँ देखिए मेरी सासू माँ ने क्या बोला, आप लोग भी थोड़ा गौर से सुनिए। यहाँ ना हमने थोड़ा म्यूट कर दिया क्योंकि अभी हर हर शंभु ये सब बज रहा था आज के दिन गाना, तो बहुत दिल को सुकून मिल रहा था और लग रहा था कई दिनों के बाद ऐसी शांति मिल रही है। यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि पानी पूरी खा लो मनीषा, और क्योंकि मम्मी को पता है कि मुझे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मन ही नहीं हो रहा था दिल से कि हम थोड़ा भी पानी पूरी खाए पिए। तो यहाँ देखिए फोटो शूट होने लगा जाते जाते, यहाँ मुझे लग रहा था कि यार मम्मी और ये लोग फास्ट नहीं थे तो ये लोग कुछ खा लेते तो ज़्यादा सही होता। फिर मैंने यहाँ पर मम्मी को बोला, मम्मी जलेबी वगैरह यहाँ पे मिल रहा है वो ले लीजिए आप, और वो और सब कोई खा लेगा क्योंकि सही रहेगा ये भी। जैसे ही जलेबी लेके हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हमारी कार यहाँ पे लगी थी, वैसे ही फिर से मिल गए सभी लोग जो कि हम लोगों को जानते हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ देख रहे हैं कितना ज़्यादा सब लोग खुश हो रहे थे देख के, हमें भी बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि जितना आप लोग प्यार करते हो उतना हम लोग भी करते हैं। यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा था, फिर सब ने एक एक बार सेल्फी भी लिया, बहुत मज़ा आ रहा था। और मम्मी बैठी थी कार में, तो मम्मी का देख सकते हैं, मम्मी भी दिख नहीं रही हैं, कार के अंदर बैठ गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, और फिर मम्मी गई थी तो एक अलग ही था। अब यहाँ देखिए फ़ोटो शूट कैसे हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट करना। और अब फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग भी निकलने वाले हैं घर के लिए, क्योंकि मिस्टर राज को भी जाना था स्कूल और हमें भी घर आना था, हमको ब्रेकफास्ट वगैरह का भी वो देखना था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग भी थोड़ा सा देखिए और इन्जॉय कीजिए, तब तक हम पहुँच ही गए घर। आप लोग देखिए पहुँच ही क्या कर रहे हैं, तो मंदिर से आ गए घर, और घर आते आते सोचे नींबू पानी पी लेते हैं तब तक, बाकी मम्मी उसके बाद मंगाएंगे ये सब, पापा जैसे केला वगैरह। और मिस्टर आज भी गए थे, वो भी पूजा पाठ कर लिए हैं अपना, तो अभी चलते हैं, पहले सब्जी को खाली करते हैं, नींबू मम्मी को भी देते हैं खुद पी लेते हैं, और आज हमारा फास्ट भी है ना, तो अभी नींबू ही सब पियेंगे। ये गाइस तो मंदिर से आ गए हैं, और मंदिर से आने के बाद जस्ट अभी क्या किए हैं, रस बना के पिए हैं, और बोले कि आराम आराम करेंगे नहीं क्योंकि एक ही बार आराम करेंगे, और जितना लेट करेंगे उतना लेट हो गया। तो चावल बना दिए, दाल बना दिए, सब्जी बना दी है, बस रोटी और दाल फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है जीरा, इसी में सब्जी बनाए थे इसलिए इसी में दाल फ्राई कर देते हैं। यहाँ दाल फ्राई के लिए मिर्चा भी कट गया है, डाल देते हैं हमने। अभी ये सब करने के बाद शाम के टाइम पूरा गैस चूल्हा पोंछ के तब दूध गर्म करेंगे अपने लिए, और उसके बाद रामदाना भूजेंगे। अगर भूजे हुआ रामदाना मिल जाएगा तो फिर बाटी हूँ। तो यहाँ पर भी फ्राई कर रहे हैं दाल, और जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं ताकि मम्मी को नाश्ता दे दें। हाँ बना रहे हैं रोटी, तो बने रहिए दोस्त आप लोग। तो खाना पीना बना के गैस भी सब साफ ऑफ कर दिए, रोटी बनाए धुम्पर था निकला था तो इसको सब साफ कर दिए हैं। अब चलते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, धूप में से आए आते आते खड़े हो गए इसीलिए अलग ही लग रहा है।